फ्रेंड, स्वागत है आपका राधे कृष्ण की रसोई में। तो चलिए आज हम नीचे चल के देखते हैं कि हमारी रसोई में क्या बन रहा है। तो आज हम बनाने वाले हैं दही वाली आलू की सब्जी। इसके लिए पहले हमें बॉइल्ड आलू चाहिए, उन्हें हम पहले छील लेंगे। इसके बाद हम इन आलूओं को अपने को मैश कर लेंगे अच्छे से। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल इसी तरह मैं इनको मैश करना है छोटे छोटे पार्ट में। फिर इसके बाद अब हम अपनी कढ़ाई गैस पे रखेंगे। फिर उसके बाद हम अपना थोड़ा सा घी डालेंगे इसमें। इसके बाद हम इसे गर्म होने के लिए रख देंगे। हमारा घी लगभग अब गर्म हो चुका है। इसके बाद अब हम इसमें अपना जीरा पाउडर डालेंगे, जीरा डालेंगे। और अगर आप फ्रेंड्स इसमें डेगी मिर्च डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अब हम उसके बाद इसमें हींग डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह हम अपने इसमें अब हींग डालेंगे। फ्रेंड्स, अब अगर आपके पास डेगी मिर्च ना हो तो आप इसमें कलर के रतन जोत भी डाल सकते हैं, तो हम इसमें वो डाल रहे हैं। ये सिर्फ हम कलर के लिए डाल रहे हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, देख सकते हैं। और अब हमारे जो इसमें ये मैश आलू थे, इनको हम धीरे धीरे इसमें डाल देंगे। और इसमें आपको इस समय अपनी गैस मंदी रखनी है, जिससे हमारे जो सब्जी है वो जले ना। फ्रेंड्स, इसके बाद अब हम इसमें अपना दही भिगो के डालेंगे। धीरे धीरे डालना है, इसको चलाते जाएंगे धीरे धीरे। हमारी गैस की फ्लेम अभी मिडिल में ही है, हमें ज्यादा मंदी भी नहीं करनी, इसे धीरे धीरे से चलाते रहना है। फ्रेंड्स, अब हम इसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे जब तक इसमें उबाल ना आ जाए और जिससे हमारा फटे ना। तो इसको इसी तरह हम धीरे धीरे चलाएंगे। अब इसमें हम अपने घर के मसाले मिलाएंगे। थोड़ी सी हम इसमें अब हल्दी डालेंगे और अब हम इसमें हल्दी के बाद धनिया पाउडर ऐड करेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद अब हम इसमें स्वाद अनुसार लाल मिर्च ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, आप सब सोच रहे होंगे कि हमने इसमें नमक क्यों नहीं डाला। हमने इसमें नमक इसलिए नहीं डाला क्योंकि सब्जी फट जाती है, तो जब ये सब्जी बन जाएगी उसके बाद हम इसमें अपना नमक ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, अब देखिए, हम इसे धीरे धीरे इसमें कलर आना चालू हो गया है। देखिए आप इसको, देख सकते हैं आप। फ्रेंड्स, देखिए, आप देख सकते हैं कि इसमें देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है रतन जूग का। देखिए फ्रेंड्स, ये जिसको साइड में लगना, हम इसको साइड में से भी करते रहेंगे, धीरे धीरे इसे चलाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं दिखाती हूँ। देखिए, इसने उबाल आना शुरू हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, देखिए अब इसमें उबाल आ गया है, तो इसलिए अब हम अपनी फ्लेम को बिल्कुल मंदा कर लेंगे। फ्रेंड्स, हम इसे 5 मिनट अपना उबालेंगे सब्जी को। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये सब्जी लगभग उबल चुकी है। अब हम इसमें टेस्ट के लिए अपना थोड़ा सा चना मसाला ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने चना मसाला डालने के बाद अपनी गैस ऑफ कर दी है, क्योंकि अब हम इसमें अपना नमक डालेंगे। आप नमक स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चना मसाला और नमक फ्रेंड्स करने के बाद अब हम अपनी सब्जी को धीरे धीरे बहुत थोड़ा सा चलाएंगे। और उसके बाद आप इसमें गार्निशिंग के लिए धनिया डाल सकते हैं, कसूरी मेथी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हमारी सब्जी बिल्कुल बन चुकी है। और आप इसके लिए अब इसमें गार्निशिंग करेंगे। आप गार्निशिंग के लिए इसमें धनिया भी डाल सकते हैं और कसूरी मेथी भी। हमारे पास धनिया अवेलेबल नहीं था, तो हमने इसमें कसूरी मेथी डाल दी है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी रेडी हो गई है। और देखिए कितनी सुंदर लग रही है, खाने में भी कितनी टेस्टी लग रही है। और अगर फ्रेंड्स आप तीखा खाने वाले हैं तो आप इसमें हरी मिर्च अदरक भी डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब हमें कमेंट्स करके बताइए कि आपको हमारी सब्जी कैसी लगी। प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, धन्यवाद।